सब्सक्राइब कीजिए स्वामी जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 15 सूरदास के पद के बारे में। लेकिन सूरदास का पद एक कृष्ण भक्ति ही नहीं बल्कि उनका जो पद है उनका पद से हम लोगों का लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इस कविता का शुरुआत हम लोग एक छोटा सा मोटिवेशन से करते हैं। कोई जल शुद्ध नहीं होता बादल के जल जैसा, कोई जल शुद्ध नहीं होता और आत्मबल के समान कोई बल नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में इस कविता का एक एक वर्ड का मीनिंग, सारांश और क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सरल भाषा में और अच्छी तरह समझाया हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी से भी इस कविता के बारे में कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखें। मैं अंत में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। सुख चाहने वाले को विद्या कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा, सुख चाहो तो विद्या छोड़ दो और विद्या चाहो तो सुख त्याग दो। सूरदास के हम लोग जीवनी को जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1470 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सिही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। बल्लभाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। बल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1590 ईस्वी में हुई। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रभावित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। कवि कविता के कामिने इस कमिनी कांत में हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के शगुन भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि है। श्रीनाथ की संस्कृत वाणी मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। देखो इसका सीधा मतलब हो रहा है कि सूरदास को बहुत सारे व्यक्ति जन्म से अंधे कहते थे। लेकिन अगर ऐसा कहा गया है कि सूरदास अगर जन्म से अंधे थे तो वे श्री कृष्ण के ऐसे बालक रूप को इतना सुंदर इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहो है छोटी। मैया मतलब माँ, यानी कब, चोटी मतलब बालों की गुथी हुई चोटिया, कितनी मतलब कितनी, मोही मतलब मुझे, पियत मतलब पीता हूँ, भई मतलब हुआ, अजहो आज तक, छोटी मतलब छोटा। कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी, बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ परंतु यह अब तक छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हुए है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नन्हावत जैसे नागिनी सी भूई लोटी। बल का मतलब बलराम, ज्यों यानी जैसे, है मतलब वरा हो जाएगी, लंबी यानी लंबी, काढ़त यानी कंघी करना, गुहत यानी गुथना, नन्हावत यानी समय, भूई मतलब भूमि, लोटी मतलब लोट। आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और यह काढ़ते गुथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि कांचो दूध पियावत पची पची,
देती ना माखन रोटी, सूर चिर जावे दोहू भैया, हरी हल्दर की जोटी। आचवेनी कच्चा पियावत पिलाती, पची पची रोज रोज देती देना, चिरजीवाय दीर्घायु हो दो दोनों। हल्दर के यहाँ पे मतलब हो रहा है बलराम को कहा जाता है, हल को धारण करने वाला या हल चलाने वाला। जोटी यानी जोड़ी। रोज कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी खाने को देती हो, इसीलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गला लगाकर आशीष दी कि कृष्ण व बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी हो, कभी टूटे ना। लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंढोड़ी आप ही आयो। तेरो यानी तेरा, लाल यानी पुत्र, मेरो यानी मेरा, माखन मतलब मक्खन, बटर खायो यानी खा गया, दोपहर दोपहर, दिवस दिन के समय, जानी जानकर, सुनो सुनसान, ढूंढ ही ढूंढ कर। इस पद में गांव की एक गोपी, गोपी का मतलब होता है जो ग्वाला लोग होते हैं और जो लोग माखन महते महते हैं गांव में, उन लोगों को गोपी या गोपिया कहा जाता है। तो इस गांव का एक गोपी यशोदा जी के पास जाकर यानी श्री कृष्ण के माता के पास जाकर शिकायत करती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा माखन खा लिया है। दोपहर के समय उसने सुना घर, ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और वाणी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिकाई को लिन्हो, अनभावत भूई में ढड़कायो। ढूंढी ढूंढकर किवाड़ी यानी दरवाजा, पैठी आ गया, सखनी यानी मित्र, खवायो यानी खिलाया। उखल यानी ऊपर, उखल एक गांव में जो जिसमें धान वगैरह कूटा जाता था या कोई भी चीज बड़ा सा लकड़ी का होता है उसको हम लोग ओखल कहते हैं। चढ़ी यानी चढ़कर, सीके यानी छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गांव में ऐसा देखा जाता है, तुम लोग देखा होगा, रस्सी का बना हुआ उसमें एक घड़ा बांध कर उसको टांग दिया जाता है, उसे ही छीका कहा जाता है। अनभावत जो पसंद नहीं आया, भूई यानी भूमि, ढड़कायो यानी गिरा दिया। समय उसने सोना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। गोपी कहती है कि मैंने तो छीके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छीके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। दही गो का रस मतलब दूध और दही। ढोटा यानी लड़का, कोने किस तरह, ढंग तरीका, लायो बनाया, हटकी संभाल, तय तूने, पुत यानी पुत्र, अनोखे यानी निराला, जायो यानी पैदा किया। ती गोरस की यह ढोटा कोने ढंग लायो, सुर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पुत अनोखे जायो। यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है, पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक की कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती, सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार की गोपी कृष्ण को माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं।
मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न का आंसर दिखाने वाला नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को अपने फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे इसका क्वेश्चन आंसर का मैं पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेटेड मोटिवेशनल कोर्स हो गया या क्वेश्चन पेपर हो गया जो इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ पर आप लोगों को देता रहता हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर को समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको और भी याद करने में सुविधा होगा। बालक श्री कृष्ण से लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुआ। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुआ? उसका उत्तर होगा दोस्तों, बालक श्री कृष्ण छोटी बड़ी होने के लोभ में दूध पीने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि माता यशोदा उसे कहती थी कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारा चोटी जल्दी बड़ा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? उत्तर होगा, देखो दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी, कब यह लंबी होगी और कब मोटी होगी, कब यह गुथने पर जमीन पर नागिन की तरह लोटेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उसका उत्तर होगा, देखो दोस्तों, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को ज्यादा पसंद करते थे। चौथा क्वेश्चन में, मैं ही पुत अनखय जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा, इसका आंसर लंबा होगा, इसको समझा कर लिखना है आप लोगों को। मैं ही पूत, इसका उत्तर होगा, देखो, मैं ही पूत अनोखो जायो, अर्थात गोपी का यशोदा को यह कहना कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है, क्या तुम्हारा पुत्र ही एक अलेका अकेला है इस गांव में? इसमें गोपी का शिकायत रूप में उलाहना का भाव मुखरित हुआ है। ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, इसमें गोपी का शिकायत रूप में उलाहना का भाव मुखरित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? मतलब थोड़ा सा मक्खन गिरा क्यों देते हैं? देखो, इसका उत्तर होगा, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं, यानी गिरा देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं, क्योंकि मक्खन ऊंचे टंगे छींकों की हांडियों में पड़ा होता था और श्री कृष्ण छोटे बालक थे, छोटे छोटे हाथों से जब ऊपर चढ़कर छींके से मक्खन चुराते व साथियों को खिलाते तो जल्दी जल्दी में थोड़ा मक्खन नीचे जमीन पर गिर जाता था, यानी बिखर जाता था, वह जानबूझकर नहीं बिखराते थे या जानबूझकर नहीं गिराते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, दोनों पदों में से कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों का मतलब हो रहा जो यहाँ पे स्टेंजा 1 एंड स्टेंजा 2 आपको दिया गया है, उसमें से कौन सा पद अधिक अच्छा लगा? तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, दोनों पदों में से दूसरा पद हमें अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का माखन चुराना मन भावन है, मतलब मन को भा लेने वाला है। इस पद में वे अपने साथ साथ मित्रों को भी दही माखन का आनंद लुटवाते दिख रहे हैं, इसलिए हम लोगों को दूसरा वाला पद बहुत अधिक अच्छा लगा। उसका बाद का जो क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना या भाषा की बात, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना उससे उतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। रही बात शब्दार्थ की, तो आप खुद भी बुक से उसे पढ़कर याद कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। बंदे।